हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैने जी का पूरा नाम था रॉबर्ट गैने। इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग दिए। लोअर लेवल में जो स्टेप था वो था सिग्नल लर्निंग, सेकंड स्टेप था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, थर्ड चेन लर्निंग, फोर्थ वर्बल एसोसिएशन, फिफ्थ डिस्क्रिमिनेशन, सिक्स कंसेप्ट लर्निंग, सेवन्थ रूल लर्निंग, एट्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज़ द हायर लेवल ऑफ द थ्योरी। तो इस थ्योरी को लर्न करने की ट्रिक है, एसएससी में बड़ी कॉन्सेप्ट्स रूल्स की प्रॉब्लम है। फर्स्ट एस का मतलब सिग्नल, सेकंड एस स्टिमुलस, सी चेन, वी वर्बल, डी आई डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट रूल्स प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप सिग्नल लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो सिग्नल्स को देख के कुछ सीखता है। जैसे वो लाइट्स को देख के मुस्कुराता है और वो चीज़ों को छू कर सीखता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिग्नल लर्निंग, संकेतों को देखकर कुछ सीखना। इसमें ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। ये किससे रिलेटेड है, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी से रिलेटेड है। सेकंड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि कोई स्टिमुलस होता है जिसका हम रिस्पॉन्स देते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये रिलेटेड है थॉर्नडाइक की थ्योरी से, जिसमें वो कैट रिस्पॉन्स देती है स्टिमुलस के लिए, और ये रिलेटेड है बीएफ स्किनर की थ्योरी से, जिसमें रैट रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस का। थर्ड इज़ द चेन लर्निंग। इसमें क्या होता है, किसी भी कोई भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अगर हम बार बार करते हैं, बार बार अभ्यास करके कुछ सीखते हैं, बार बार उन चीज़ों को कर रहे हैं, तो एक चेन बन रही है, इससे क्या कहते हैं, चेन लर्निंग। फोर्थ है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल का मतलब क्या है, शाब्दिक, एसोसिएशन का मतलब है जोड़ना। इसमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु को शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे कोई टीचर है, वो क्लास में कोई मॉडल लेके आया है, तो वो शब्दों के सहारे से उस मॉडल को डिस्क्राइब करेगा, उस मॉडल के बारे में बताएगा कि ये चीज़ क्या है। तो वर्बल एसोसिएशन में क्या है, शाब्दिक को वस्तु से जोड़कर कुछ सिखाना। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, भेद करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेद करना। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ें होती हैं जिसमें हम अंतर करके सीखते हैं। जैसे एक चीज़ का हमें पता हो कि इसमें क्या है, दूसरी का हमें पता हो, उन दोनों में हम अंतर करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उसके डिफरेंसेस की वजह से हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम समझ कर कुछ सीखना कि इसके गुण क्या हैं। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल में क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, और नॉन मेटल में क्या है, ये बैड कंडक्टर हैं। हमने इनके गुणों के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई कर दिया है। ऐसे ही जैसे प्रॉब्लम्स हैं, अर्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बाढ़ आना, बहुत ज़्यादा पानी बहना, या फिर अर्थक्वेक आना, ये प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसके कंसेप्ट को समझ के हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि बाढ़ आने में क्या होता है, पानी बहुत बह रहा है, या फिर अर्थक्वेक में क्या होता है, या फिर कोई तेज़ हवा चल रही है, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ सीखना। रूल लर्निंग में क्या होता है कि हम नियमों के अकॉर्डिंग कुछ सीख रहे हैं, नियम जान के कुछ सीखना। जैसे हमें ग्रामर सीखनी है इंग्लिश की, तो हमें पहले उसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं कि इसमें क्या है। तो नियम जान के, रूल्स जान के कुछ सीखना, उन्होंने बताया था सेवन्थ स्टेप में। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ दी 8th स्टेप। तो इसमें ये बताया कि प्रॉब्लम को हल करके हम सीख सकते हैं। इसमें क्या था कि हम कुछ चीज़ों को रट्टाफिकेशन नहीं लगाते, जैसे याद नहीं करते। इसमें हम बच्चों को छोटी सी कोई उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम दे देते हैं, जिसको हल करके वो चीज़ों को सीखते हैं। इसमें है प्रॉब्लम को हल करके कुछ सीखना।
तो उन्होंने गैने जी ने ये 8 स्टेप ऑफ लर्निंग दिए। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।